हेलो फ्यूचर, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपका जो HMBGU यानी कि हेमावती नंदन वगना गलवार यूनिवर्सिटी का जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट के नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है कि अगर आप फ़ी डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके लिए, अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होगा, और हॉस्टल फैसिलिटी के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया है, तो सारा कुछ देखेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कब तक है, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक जा सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर कितना तारीख है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि आपका जो नोटिस रिलीज़ किया गया है वो 3 सितंबर यानी कि 3 सितंबर को जो है वो आपका नोटिस रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए नोटिस में ये बताया गया है, नोटिस में जो आपका है वो थर्ड मेरिट लिस्ट के यानी कि तीसरे मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, अगर आपका इन केस अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नेम नहीं आता है तो आप वेट कीजिए फर्दर मेरिट लिस्ट के लिए। अगर फर्दर आएगा तो इन्फॉर्म करूँगा, अगर नहीं तो अगर स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पर अगर एडमिशन होगा तो मैं आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेमावती नंदन वगना गलवाल यूनिवर्सिटी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो है आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, ये जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका जो 4 ईयर का बीटेक होता है जिसमें कि 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा रिगार्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट का है वो आपका जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है बीटेक के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगर आप यहाँ पे अगर आपका नेम आ जाता है तो आपको सारा कुछ ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है फी पेमेंट के रिगार्डिंग, कितना फ़ी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि बेहतर तो ये होगा कि आप जो देखिए यहाँ पे फी पेमेंट करना है वो आपको 8 सितंबर से पहले यानी कि 8 सितंबर तक पहले आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। और यहाँ पर देखिए कि बेहतर ये होगा कि आपका जो रजिस्टर ईमेल दिए थे और रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर आपका इन्फॉर्मेशन जाता है, वहाँ से जो लिंक प्रोवाइड किया रहता है फ़ी पेमेंट के लिए वहाँ से ही आप फ़ी पेमेंट करिए, और जितना फ़ी के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा आपको ईमेल में बताया जाता है। और मैं ये बता दूं कि अगर आप फ़ी पेमेंट के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे फ़ी कितना होता है वैसे ईयर का यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 8 सेमेस्टर का कितना बीटेक के लिए फ़ी होता है, तो मैंने आपको उसके लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटेक का जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है अलग अलग ब्रांचेज के लिए वो कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है वो 8 सितंबर तक यहाँ पर पेमेंट करना है जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे, और इंस्ट्रक्शन जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब सारा आपको वहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो ईमेल से प्रोवाइड कर दिया गया है आपको। यहाँ पे देखिए कि बीटेक के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म में क्या बताया, इफ़ ए कैंडिडेट हु हैव ऑफर्ड ए सीट, अगर आपका बीटेक में ऑफर किया गया है सीट यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो आपको जो है वो फ़ी जो है वो डिपॉजिट करना होगा विद इन ड्यू डेट, अगर आपको जो जितना ड्यू डेट दिया गया है वहीं तक आपको डिपॉजिट करना होगा, नहीं तो आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा यानी कि आपका फिर एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैंने पहले वीडियो में बताया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा। और ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है वो देख सकते हैं, ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट गेट दियर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फिजिकली वेरीफाइड एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चौरस कैंपस HMBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड। आपको यहाँ पे 5 PM यानी कि 13 सितंबर यानी कि आपको 13 सितंबर से 13 सितंबर तक आपको यहाँ पे डेट दिया गया है, 13 सितंबर तक आपको जाकर यहाँ पे सारा कुछ फिजिकली वेरीफाइड कराना होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या होगा वो सर सारा कुछ देखने वाले हैं कि आप अगर इनकेस अगर आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं, अगर आप फ़ी पेमेंट करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो आपको यहाँ पे लगेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सब जो है वो सारा आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर लीजिए एक बार। और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो यूनिवर्सिटी के पास है वो लिमिटेड सीट अवेलेबल है हॉस्टल के लिए, यानी कि सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हॉस्टल जो है वो नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आपको अगर हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हैं, अगर आप डिस्टेंस से आते हैं HMBGU से, तो आप अगर हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना होगा, उसके लिए अलग से जाकर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। आफ्टर दैट आपको अगर सीट अलॉट किया जाता है तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर हॉस्टल में रह सकते हैं। दोज हु हैव ऑलरेडी पे एडमिशन फ़ी एज पर फर्स्ट एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट डो नॉट रिक्वायर टू पे द एडमिशन फॉर फी फॉर चेंज द ब्रांच, यानी कि अगर आप
फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आया था तो उसके बेसिस पे अगर आपने यहाँ पे अगर एडमिशन फ़ी पे कर दिए हैं तो आपको अगर ब्रांच चेंज कर दें हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फी नहीं पे करना होगा। यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे फर्दर जाकर आपने अगर ब्रांच सिलेक्ट किए हैं तो उसके बाद आप अपना जो है वो ब्रांच को स्विच भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कि आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर दिए हैं, यानी कि अगर आपका इनकेस अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर यहाँ पर अगर आप फ़ी पेमेंट कर दिए हैं और अगर फ़ी पेमेंट कर दिए हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं रिपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा फर्दर वो। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो पैरा 6 में सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया है। देखिए, द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट गेट डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फिजिकली वेरीफाइड एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा कुछ सारा आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ जस्ट स्टे ट्यून्ड टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।